हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए डिफिशेंसी। ठीक है, विटामिन ए, तो अब देखते हैं विटामिन ए जो है कहाँ स्टोर होता है। तो विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है, और आज हम ये देखेंगे विटामिन ए की डिफिशेंसी से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए, एक तो मतलब दो होता है, एक होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मैनिफेस्टेशन, दूसरा होता है ओकुलर मैनिफेस्टेशन। एक्स्ट्रा ओकुलर जो मतलब अदर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि एक्सेप्ट आई, और अगर आई में मैनिफेस्ट विटामिन ए डिफिशेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ओकुलर मैनिफेस्टेशन, जिसको जेरपथेलमिया और ड्राई आई बोलते हैं। ठीक है, तब हम ये देखते हैं कि विटामिन ए का डिफिशेंसी का फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम क्या होता है। विटामिन ए डिफिशेंसी का फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम, तो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो होता है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस है, और फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होता है, कंजेंटाइवल जरोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो है नाइट ब्लाइंडनेस, और फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है, कंजेंटाइवल जरोसिस। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होता है विटामिन ए डिफिशेंसी का, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है ग्रीन लाइट में दिखना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ विजन टू ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट में दिखना बंद हो गया, ये क्या हुआ, सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डार्क में रात को दिखना बंद हो जाता है, रात को देखने में दिक्कत होता है, डार्क में देखने में दिक्कत होता है, बंद हो जाता है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और दूसरा क्या है, फर्स्ट क्लिनिकल साइन कंजेंटाइवल जेरोसिस। ठीक है, तब हम देखेंगे इसका क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन जो है इसका क्या होता है, टॉर्ड स्किन और फिनोडर्मा। वो मतलब स्किन पे ना छोटा छोटा, मतलब वो फ्रॉक पर जैसे बुंदा बुंदा नहीं होता है, उस टाइप से हो जाता है टॉर्ड स्किन, जिसको फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। ठीक है, फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस, टॉर्ड स्किन और फिनोडर्मा बोलते हैं इसको मेडिकली टर्म में। ग्रोथ रिटार्डेशन और एनोरेक्सिया, ये तीन होता है एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन। अब हम आगे चल के देखेंगे ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन। हम क्या देखे थे, एक्स्ट्रा ओकुलर मैनिफेस्टेशन में था टॉर्ड स्किन और फिनोडर्मा, हाइपरकेराटोसिस और ग्रोथ रिटार्डेशन, और तीसरा क्या था, एनोरेक्सिया। अब हम देखेंगे ओकुलर मैनिफेस्टेशन। तो विटामिन ए की डिफिशेंसी से होने वाले सारे ओकुलर मैनिफेस्टेशन को हम क्या बोलते हैं, जेरपथेलमिया बोलते हैं। विटामिन ए की डिफिशेंसी से जो भी ओकुलर मैनिफेस्टेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेरपथेलमिया। और इसी में क्या होता है, जेरपथेलमिया और ड्राई आई। ठीक है, जो भी मतलब विटामिन ए की डिफिशेंसी से आँख में होने वाले सारे मैनिफेस्टेशन को क्या बोलते हैं, जेरपथेलमिया और ड्राई आई और ओकुलर मैनिफेस्टेशन ड्यू टू विटामिन ए डिफिशेंसी। तो इसमें क्या है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन वही था जो भी मतलब ग्रीन लाइट में दिखना बंद हो जाता है, फिर दूसरा है फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात को दिखना बंद हो जाता है डार्क में दिखने में दिक्कत होता है, बंद हो जाता है दिखना, और फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है, कंजेंटाइवल जेरोसिस। ठीक है, तो अब कंजेंटाइवल जेरोसिस में क्या होता है, कंजेंटाइवल जेरोसिस में जो होता है कंजेंटाइवा ड्राई हो जाता है और रिंकल्ड हो जाता है, और इनमें कैसा होता है, इमर्जिंग लाइक सैंड बैंड एट रिसाइडिंग साइट। मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है सैंड बैंड एट रिसाइडिंग साइट, इमर्जिंग पूरा इमर्ज टाइप का हो जाता है ये, तो ऐसा दिखता है। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन है कंजेंटाइवल जेरोसिस, और कंजेंटाइवा ड्राई और रिंकलेड हो जाता है, और सैंड बैंड एट रिसाइडिंग टाइप इसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस। इसका हम लोग अपने को इमेज दिखाते हैं, ये क्या है, कंजेंटाइवल जेरोसिस, कंजेंटाइवा जो है एकदम क्या हो गया है, कंजेंटाइवल जेरोसिस, कंजेंटाइवा बिकम ड्राई, देखिए कैसा हो गया, कंजेंटाइवा ड्राई हो गया, सैंड बैंड जिसे हो गया है पूरा, तो ये क्या है, कंजेंटाइवल जेरोसिस। साइन क्या देखे थे, कंजेंटाइवल जेरोसिस। हम अगला बात करते हैं, ये क्या है, बाइटोटर स्पॉट। तो बाइटोटर स्पॉट जो होता है, बाइटोटर स्पॉट ये ट्रायंगुलर पियरली वाइट और येलोइश फोमी स्पॉट होता है ऑन द बल्बर कंजेंटाइवा आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। एक ट्रायंगुलर पियरली वाइट या तो येलो फोमी स्पॉट, या तो ट्रायंगुलर पियरली वाइट हो सकता है या तो येलो फोमी स्पॉट होता है बल्बर कंजेंटाइवा पे, दोनों साइड ऑफ आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। ठीक है, किसी भी साइड में एक फोमी, येलोइश फोमी स्पॉट बल्बर कंजेंटाइवा पे ऑन आइदर साइड ऑफ कॉर्निया।
होता है, इसका हम इमेज दिखाएंगे। और ये जो होता है ना, यंग चिल्ड्रेन में विटामिन ए डिफिशेंसी इंडिकेट करता है, और एडल्ट में ये करता है सिकुली ऑफ अर्लियर डिजीज, मतलब इसको एडल्ट में ये बताता है ये बायोटोस्पोर्ट जो इसको पहले विटामिन ए डिफिशेंसी हुआ है, ठीक है। और यंग चिल्ड्रेन में ये बताता है कि इसको अभी विटामिन ए डिफिशेंसी है बायोटोस्पोर्ट। ये ट्रायंगुलर पेयरली व्हाइट होता है बल्बर कंजंक्टिवा पे आइदर साइड ऑफ कॉर्निया, तो बायोटोस्पोर्ट ये है बायोटोस्पोर्ट देख रहे हैं पूरा फोमी हेलो एक ट्रायंगुलर पेज जिससे है आइदर साइड ऑफ कॉर्निया, तो यही क्या है बायोटोस्पोर्ट। अगला क्या है कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस में क्या होता है, कॉर्निया अपीयर ड्राई एंड ओपेक, सीवियर डिफिशेंसी में लीड टू कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल जेरोसिस में कॉर्निया कैसा होता है, ड्राई हो जाता है और पूरा ओपन जैसे ओपेक खुला खुला जैसे रहता है, और बहुत ज़्यादा अगर डिफिशेंसी होता है तो कॉर्नियल जेरोसिस से क्या हो जाता है कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल डिफिशेंसी कॉर्नियल अल्सर हो जाता है जेरोसिस से। तो कॉर्निया कैसा होगा, ड्राई होगा ओपेक होगा खुला टाइप से, और सीवियर डिफिशेंसी होने से कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। तो इसका हम इमेज निकालते हैं कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्निया कैसा है ओपेक हो गया है, कॉर्नियल जेरोसिस में कॉर्निया जो है एकदम ओपेक टाइप का है, पूरा खुला 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 टाइप का एकदम कॉर्निया ड्राई है ओपेक है, दिख रहे हैं कॉर्निया ड्राई और ओपेक है कॉर्निया। और एकदम अगर ज़्यादा होगा सीवियर कॉर्नियल जेरोसिस होगा तो क्या हो जाएगा कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है फिर कॉर्नियल जेरोसिस लीड टू कॉर्नियल। देखेंगे केराटोमलेसिया। केराटोमलेसिया में क्या होता है लिक्विफेक्शन ऑफ कॉर्निया, लिक्विफेक्शन हो जाता है कॉर्निया का, और कॉर्निया जो होता है में बिकम सॉफ्ट एंड ब्रस्ट ओपन, लगता है कि ब्रस्ट करके बाहर निकल जाएगा ऐसा टाइप का लगता है कॉर्नियल जेरोसिस में। केराटोमलेसिया में क्या होता है कॉर्निया, केराटोमलेसिया में कॉर्निया लिक्विफेक्शन हो जाता है कॉर्निया का, और कॉर्निया जो पूरा सॉफ्ट हो जाता है लगता है ब्रस्ट करके ओपन हो जाएगा, ठीक है पूरा ब्रस्ट कर जाएगा ऐसा दिखता है। तो इसका हम फिगर देखिए आप लोग, कॉर्निया एकदम ब्रस्ट टाइप का हो रहा है, लिक्विफेक्शन हो गया है ना कॉर्निया का, लिक्विफेक्शन हो गया लग रहा है ब्रस्ट करके बाहर निकल जाएगा ऐसा टाइप का होता है केराटोमलेसिया, सबसे बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप में होता है ये केराटोमलेसिया। लास्ट स्टेज सारे मतलब ये ओकुलर मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं ना थे, तो ओकुलर मैनिफेस्टेशन में क्या हो गया था मतलब सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन था, सबसे पहले ग्रीन लाइट में दिखना बंद हुआ था, फिर रात में दिखना बंद हुआ था नाइट फ्लैशन फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम, और उसके बाद फर्स्ट क्लिनिकल साइन था कंजंक्टिवल जेरोसिस। कंजंक्टिवल जेरोसिस में कॉर्निया क्या हो गया था ड्राई और रिंकलेट हो गया था, और सैंडबैंड रिसाइडिंग अपीयरेंस जैसे दिख रहा था कॉर्निया इसमें। बायोटोस्पोर्ट जिसमें कॉर्निया मतलब कॉर्निया पे क्या हो रहा था मतलब कॉर्निया एक ये हो जा रहा था बायोटोस्पोर्ट में बल्बल कंजंक्टिवा पे ना आइदर साइड ऑफ कॉर्निया ये ट्रायंगुलर स्पॉट बन जा रहा था व्हाइट फोमी कलर का देखे थे। अगर बच्चा में हो रहा है तो विटामिन ई डिफिशेंसी अभी हुआ है वो इंडिकेट करता है, अगर एडल्ट में बायोटोस्पोर्ट है तो पहले हुआ था, ठीक है। एक देखे थे कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्निया जो था ओपेक था, अगर सीवियर मतलब डिफिशेंसी हो गया है तो कॉर्नियल जेरोसिस जो बहुत ज़्यादा हो गया तो कॉर्नियल अल्सर में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देखे थे हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट में था क्या, लास्ट में था केराटोमलेसिया, तो केराटोमलेसिया में लिक्विफेक्शन होता है कॉर्निया का, और कॉर्निया में लीड टू मतलब सॉफ्ट और ब्रश करके ओपन है ऐसा हो। अब हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन देखेंगे हम जेरेपथैल्मिया का मतलब WHO क्लासिफिकेशन। तो देखो इसमें है एक एक्सन वाला, यहाँ पे है ना एक्सन, एक्सन से तो सबको पता है N फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, एक्सन से नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद था XN हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, X1A और X1B, X1 X2 X3 है। तो X1 को दो क्लासिफिकेशन किया गया है X1A और X1B, A और B। तो X1 ये जो है ये क्या है कंजंक्टिवल जेरोसिस है, X1A क्या है कंजंक्टिवल जेरोसिस, और X1B क्या है बायोटोस्पॉट, देखे थे आप लोग ट्रायंगुलर फोमी कलर का था। तो X1 से नाइट ब्लाइंडनेस, X1 ये कंजंक्टिवल जेरोसिस और X1B जो है बायोटोस्पॉट, ठीक है। X2 में क्या है
मतलब एक्स टू टू है ना, इसका कोई क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं है, कॉर्नियल जेरोसिस है इसका, ठीक है। और एक्स थ्री में भी ए और बी है, एक्स थ्री में ए भी, एक्स थ्री ए में क्या है, कॉर्नियल अल्सरेशन, वन थर्ड ऑफ डी कॉर्निया, लेस देन वन थर्ड ऑफ डी कॉर्निया कॉर्नियल अल्सर हुआ है, ठीक है, एक्स थ्री ए में। एक्स थ्री बी में है ग्रेटर देन वन थर्ड ऑफ डी कॉर्निया कॉर्नियल अल्सरेशन हुआ है, इसलिए इसमें क्या होता है, केराटोमलेसिया आगे चल के, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर लेस देन वन थर्ड में हुआ है एक्स थ्री ए, और एक्स थ्री बी में ग्रेटर देन वन थर्ड में हुआ है। एक्स एस एस इसका नाम है, इसका अर्थ एक्स एक्स एस है, एस से मतलब कॉर्नियल स्कार, एफ से मतलब जेरेप्थैल्मिक फंडस, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ क्लासिफिकेशन जो था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ क्लासिफिकेशन जेरेप्थैल्मिया का, तो इसमें था एक्स एन नाइट ब्लाइंडनेस है, एक्स वन ए और बी, एक्स वन को दो पार्ट में, एक्स वन कंजेंटाइवल जेरोसिस, बी में बाइटोटोस्पोर, बी फॉर बाइटोटोस्पोर, ठीक है। एक्स टू का टू है तो इसको कोई क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, कॉर्नियल जेरोसिस। और एक्स थ्री ए और बी, एक्स थ्री ए में कॉर्नियल अल्सरेशन लेस देन वन थर्ड ऑफ डी कॉर्निया, और एक्स थ्री बी में कॉर्नियल अल्सरेशन ग्रेटर देन वन थर्ड ऑफ डी कॉर्निया, यानी कि केराटोमलेसिया। एक्स एस एस यानी कि स्कार हो गया, और एक्स एफ में मतलब जेरेप्थैल्मिक फंडस हो गया। तो ये है इसका। अब हम ये देखेंगे प्रीवेलेंस क्राइटेरिया क्या है जेरेप्थैल्मिया का, मतलब कम्युनिटी में डिटरमाइन करने का। तो प्रीवेलेंस जो है मेजर एट रिक्स पॉपुलेशन, कहाँ पे देखा जाता है, रिक्स पॉपुलेशन में। तो जैसे कि कोई प्री स्कूल चाइल्ड हो गया 6 महीने से 6 ईयर्स तक का, तो इसमें मतलब प्रीवेलेंस इसका मतलब देखा जाता है। तो ये हम देखते हैं, क्योंकि ये जैसे देखें ग्रेटर देन 5% रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल सीरम मतलब जो कम होता है तो 5% से ज़्यादा में होता है, ठीक है। फिर 1% से ज़्यादा में क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जितना परसेंटेज उतना मतलब सीवियरिटी, जितना डिग्री सीवियर उतना मतलब उसका परसेंटेज होने का मतलब कम। जैसे कि सीरम रेटिनॉल लेवल अगर 5% से मतलब जो लोगों है उसमें कम है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस ग्रेटर देन 1%। अब इसका आधा कर दो, 1 से 1 इसका आधा, तो 0.5% बाइटोटोस्पोर 0.5% में। अब उसका भी मतलब 0.5% था, तब 0.05% कर दो, तो इसमें क्या है, कॉर्नियल अल्सर का प्रीवेलेंस। और फिर 0.01% जो कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्नियल अल्सरेशन, और उसके बाद केराटोमलेसिया। तो ये है, तो जो डिजीज मतलब आगे जितना सीवियरिटी है तो उतना उसका परसेंटेज कम है, प्रीवेलेंस कम है। तो जैसे कि ये सीरम रेट उतना नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा में होता है, ग्रेटर देन 5%। नाइट ब्लाइंडनेस 5 है, तभी 1 कर दो, ग्रेटर देन 1 बाइटोटोस्पोर, इससे नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादा सीवियर है। तो 0.05 कॉर्नियल स्कार, और कॉर्नियल स्कार 0.01 जो हो गया, कॉर्नियल जेरोसिस हो गया, कॉर्नियल अल्सरेशन और केराटोमलेसिया, ठीक है। जितने भी ओकुलर मैनिफेस्टेशन होता है विटामिन ए के डिफिशेंसी से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, जेरेप्थैल्मिया और ड्राई आई। ऑल द ओकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशेंसी ह्यूमन में, विटामिन ए की डिफिशेंसी से होने वाली जितने भी ओकुलर मैनिफेस्टेशन होता है ह्यूमन में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेप्थैल्मिया और ड्राई आई बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है चाइल्ड का जो एज जो होता है, 1 से 3 साल के बच्चे में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, जिसको बीनिंग से रिलेट किया जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही उसको खाना पीना खिलाना शुरू करते हैं, तो इसीलिए। और ये जो होता है एसोसिएटेड होता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। तो इंसान में जो भी ओकुलर मैनिफेस्टेशन होता है विटामिन ए की डिफिशेंसी से, उसी को जेरेप्थैल्मिया और ड्राई आई बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन बच्चे में 1 से 3 साल में, क्योंकि बीनिंग से रिलेटेड 6 महीने के बाद ही तो खाना खाना शुरू करते हैं, और एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन और मीजल्स। मीजल्स वाले बच्चे में ज़्यादा विटामिन ए होता है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन जिसमें है उसमें। और जो फूड डोनेशन प्रोग्राम से खाना खाता है ना, फूड डोनेशन प्रोग्राम, तो उसमें स्किम मिल्क दिया जाता है ना, तो टोटली उसमें क्या होता है, विटामिन ए नहीं होता है, स्किम मिल्क में टोटली क्या होता है, विटामिन ए नहीं होता है। तो उससे जो खाना खाते हैं तो उसको ज़्यादा होने का चांस होता है। जो भी राइस ईटिंग स्टेट है, जैसे कि राइस ईटिंग स्टेट है, उसमें ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा विटामिन ए डिफिशेंसी देखा जाता है, कि जैसे कि बिहार बंगाल हमारे तो पड़ोसी राज्य है, कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है विटामिन ए डिफिशेंसी। तो क्योंकि राइस जो होता है डिवाइड ऑफ क्रोटीन होता है, राइस में केरोटीन नहीं होता, प्लांट सोर्स है ना केरोटीन, तो राइस जो है वह इसमें केरोटीन नहीं होता है, तो केरोटीन नहीं होगा तो विटामिन ए डिफिशेंसी होगा प्लांट सोर्स से,
और राइस रिचिंग स्टेट में ज़्यादा देखा जाता है बिहार, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। और जो फूड डोनेशन प्रोग्राम से खाना खाते हैं तो उसमें देखा जाता है, क्योंकि उसमें स्किम मिल्क दिया जाता है, स्किम मिल्क में विटामिन ए नहीं होता है। और जो प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन जो बच्चे सफ़र करने उसमें होता है, और जिसको पहले मीजल्स हुआ है उसके इसमें होता है, ठीक है। तो जितने भी मतलब विटामिन ए की डिफिशेंसी से होने वाली ऑल ओकुलर मैनिफेस्टेशन जो भी होता है वुमन में, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ थैली मदिरा आई।